टू करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम लोग पार्ट वन यानी भाग एक में इसके दो महत्वपूर्ण बेसिक भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे। एक है विद्युत धारा तथा दूसरा है धारा घनत्व अर्थात इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले विद्युत धारा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है, विद्युत धारा की इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसके विमीय सूत्र क्या होती है, इसकी दिशा कैसे दी जाती है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर विद्युत धारा का जो निर्माण होता है मतलब प्रवाहित आवेशों के कारण होता है। अगर आवेश प्रवाहित होंगे तो विद्युत धारा का निर्माण होगा, स्थिर आवेश विद्युत धारा का निर्माण नहीं करते हैं। तो चलिए इसका अभी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको पूरा गहराई से इसका कंसेप्ट पढ़ा जाएगा कि आखिर आवेश प्रवाहित होते हैं तो आवेश क्यों प्रवाहित होते हैं, विभवांतर कैसे क्रिएट किया जाता है, विभवांतर कैसे उत्पन्न किया जाता है, धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, बाद में देखा जाएगा। पहले इसकी परिभाषा, दिशा और इस पर हम लोग इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल इसे कैसे बनाते हो कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग गहराई से धीरे धीरे खूब आराम से पढ़ेंगे। चलिए इसका पहले परिभाषा, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी लिखनी होती है, जो आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट हो उसको दिमाग में रखना चाहिए। तो इस टॉपिक को आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, तो उसमें आपसे पूछा जाता कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपने कहा था कि इसका सूत्र होता आई बराबर क्यू बाई टी, तो आप इसको बोलते थे कि एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए उस वो भी डिफिनेशन सही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी अब हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए उसमें क्या सुधार किया जाएगा कि परिभाषा में प्रति एकांक सेकंड में किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो अनुप्रस्थ काट दिया गया है लिया गया है उसके कैसे लंबवत प्रवाहित नेट आवेश। देखिए लंबवत और जो नेट वर्ड होता था आप इसको 10th क्लास में जनरली छोड़ देते सामान्य रूप से, चलो नेट आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है बच्चों। कि प्रति एकांक सेकंड में किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित नेट आवेश, कैसा आवेश, नेट आवेश, और नेट आवेश कैसे प्रवाह होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए दिए गए एरिया के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। अब नेट आवेश का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लीजिए कि 2 सेकंड में बाएं से दाएं 10 कूलम्ब प्लस 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ, कितने में, तो एरेट ऑफ 2 सेकंड, ठीक है। और मान लो कि उसी 2 सेकंड के अंतराल पर दाएं से बाएं भी कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 10 कूलम्ब। पहले देखो बाएं से दाएं कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 10 कूलम्ब प्लस 10 कूलम्ब, कितने समय में, 2 सेकंड में। फिर मान लेते हैं कि उसी एरिया से दाएं से बाएं कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 10 कूलम्ब, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो यहाँ पर पूछेंगे कि नेट आवेश का इस एरिया के लंबवत प्रवाह कितना हुआ, तो यदि बाएं से दाएं को प्लस मान लिया जाए तो दाएं से बाएं क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो देखिए क्यू नेट कितना हो जाएगा, तो 10 कूलम्ब बाएं से दाएं प्लस 10 कूलम्ब, प्लस जोड़ते तो यहाँ पर कितना होगा, बाएं से दाएं करते, सॉरी दाएं से बाएं करते तो माइनस हो जाता, तो 10 कूलम्ब माइनस 10 कूलम्ब बराबर 0। तो इस तरह से आई बराबर क्यू नॉट बटा में टी, तो क्यू नॉट कितना हो गया, 0 कूलम्ब, समय कितना हो गया, 2 सेकंड। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आई कितना हो गया, 0 एम्पीयर। तो इसलिए हमने कहा कि नेट आवेश, अगर आप नेट आवेश नहीं कहते तो आप 10 10 20 कर लेते, 20 करके 2 करके आप 10 एम्पीयर कर लेते, जो आपका गलत आंसर हो जाता। तो इसलिए बेटा यहाँ पर याद रखना होगा बच्चों कि आपको कैसा प्रवाह होना चाहिए, तो दिए गए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत नेट प्रवाहित आवेश। तो चलिए इसका एसआई मात्र कितना हो जाएगा, तो आवेश बटा में समय अंतराल, तो कितना हो जाएगा, वे इसका कूलम्ब, समय का सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड या एम्पियर। इसके विमीय सूत्र क्या हो जाएगी, ए, चूँकि विद्युत धारा एक मूल राशि है तो मूल राशि को ए या आई से, यहाँ पर विद्युत धारा का एक मूल राशि है जिसमें उसको ए या आई से सूचित करते थे, तो इसलिए यहाँ पर इसको ए या आई देकर बड़ा ब्रैकेट मानते हैं। देखिए सबसे जो इसका बेहतरीन बात है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है लेकिन फिर भी एक दिशा रखता है, तो इसकी दिशा कैसे दी जाती है, इसको एकदम ध्यान से देखना होगा, ये हम लोगों को आगे भी काम आने वाला है। दिशा, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है लेकिन उसकी एक प्रचलित दिशा होती है, प्रचलन में ट्रेडिशनल इसकी डायरेक्शन से दी जाती है, वह दिशा क्या होती है। देखिए विद्युत धारा की दिशा
धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में होती है। धनात्मक आवेश का जो प्रवाह का दिशा होगा वही होगा, लेकिन जनरली हम लोगों के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन पर के ऐसे आवेश होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो आपको दिमाग में आता होगा सर अगर ऋणात्मक आवेश हो तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए अगर विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में ले जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऋणात्मक आवेशों के प्रवाह की विपरीत दिशा में ले जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक एरिया ए दिया गया है चाहे लिया गया है और इसे धन आवेश प्रवाहित होना कैसे बाएं से दाएं, कैसे जा रहे हैं बाएं से दाएं, नेट धन आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, तो धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आवेश उसी एरिया से चाहे मैंने उतना एक एरिया ए से लंबवत में बाएं से दाएं प्रवाहित हो रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, तो ऋणात्मक आवेश प्रवाहित कर रहे हैं बाएं से दाएं, तो इसीलिए विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी दाएं से बाएं। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं बाएं से दाएं यानी करंट की दिशा हो जाएगी दाएं से बाएं उसके विपरीत दिशा में। चलिए अब हम लोग इसके सूत्र को समझते हैं कि इसके लिए सूत्र कैसे होते हैं, विद्युत धारा का परिभाषा उसका विमीय सूत्र ऐसे मात्रक उसका विद्युत धारा की दिशा क्या होती है उसको हमने सीख लिया था। अब हम लोग विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र सीखेंगे। उसके पहले आपको हम होमवर्क में दो सवाल दे देते हैं, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। इससे पहला सवाल आपका है कि बेसिक सवाल है कि विद्युत धारा को परिभाषित करें इसका विमीय सूत्र में ऐसे मत लिख लें 2 मार्क्स में। और दूसरा क्वेश्चन है जो सा अच्छा सवाल है कि विद्युत धारा परिमाण तथा दिशा दोनों रखता है फिर भी एक अधिश राशि है क्यों। जैसा कि आप जानते थे कि परिमाण तथा दिशा रखने पर सदिश राशि होता है लेकिन फिर भी यह विद्युत धारा पास परिमाण भी है दिशा भी लेकिन फिर भी अधिश राशि है सदिश क्यों नहीं, उसको आप लोग आंसर में लिख के हमको दिखाएगा, हम इसका आंसर बाद में बताएंगे। चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होती है। तो देखो गणितीय रूप से अगर विद्युत धारा आपको निकालनी है तो यह आपको दो प्रकार से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपको औसत विद्युत धारा, औसत वर्ड, औसत वर्ड क्या होता है तो एक निश्चित समय अंतराल के लिए औसत होता है, ठीक है ना। तो औसत विद्युत धारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक निश्चित समय अंतराल के लिए ज्ञात की जाती है। और इसको कैसे ज्ञात करते हैं तो कुल प्रवाहित आवेश तथा उसमें लिए गए समय के अनुपात को औसत विद्युत धारा कहते हैं। इसे IAVGR या इसमें आई इसका एक संकेत होता है से सूचित करते हैं। और औसत विद्युत धारा बराबर क्या लिखते हैं तो कुल प्रवाहित आवेश बटा में लिया गया समय। तो सिंपल याद रखना जैसे आप औसत दूरी निकालते थे कुल तय की गई दूरी बटा में लिया गया समय, उसी तरह से औसत विद्युत धारा बराबर कुल प्रवाहित आवेश बटा में लिया गया समय। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा तो IAVGR बराबर क्यूनेट बटा में टी। क्यूनेट क्या हुआ कुल प्रवाहित आवेश बटा में और टी क्या हुआ उस प्रवाहित आवेश में लिया गया समय। या देखो सबसे इसका जो बेहतरीन फॉर्म होता है वो होता है आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यह डेल्टा जो वर्ड होता है वो अंतर डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, डेल्टा टी का मतलब हुआ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए। उसी तरह से दूसरा क्या होता है इसका हम लोग अब ये जो सूत्र है उसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और बात एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है ताक्षणिक विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इंस्टेंटेनियस जो वर्ड होता है वो समय के किसी इंस्टेंट किसी क्षण के लिए दिया देते हैं। देखिए समय अंतराल का मतलब क्या होता है जैसे 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच, 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच है, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि समय किसी इंस्टेंट किसी क्षण के लिए। जैसे T=2 सेकंड पर ही धारा क्या है, T=2.5 सेकंड पर ही धारा क्या है, इसमें अंतराल नहीं कि 2 सेकंड से 2.5 सेकंड के बीच नहीं, 2 सेकंड पर तो 2 सेकंड, 2.5 सेकंड टू 2.5 सेकंड। और इसके लिए परिभाषा क्या होती है तो देखिए समय के सापेक्ष प्रवाहित आवेश के अवकलन गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट DC को ताक्षणिक विद्युत धारा या सिंपल विद्युत धारा कहते हैं। इसके लिए सूत्र क्या होता है तो उसका होता है I=dQdt। अगर आपका आवेश समय का फलन है तो विद्युत धारा आप सिंपल निकाल सकते हैं I=dQdt। और यह dQdt कैसे लिखते हैं तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी I=dQdt। इक्वेशन कितना होगा 2। इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है तो देखिए जैसा कि आप इसका डिफरेंशियल ज्यामितीय अर्थ जानते हैं कि समय आवेश ग्राफ का समय अक्ष के साथ जो ढाल होता है ढाल को हम लोग यहाँ पर tan थीटा का मतलब क्या होता है तो आप
की निकाय बताते हैं कि इसको विद्युत धारा के बराबर होता है। जैसे आप वाई अक्ष पर आपको क्यू दे दिया गया, एक्स अक्ष पर आपको टी दे दिया गया, और यह आपको आवेश और समय के बीच का ग्राफ हो गया। तो मान लो कि किसी पी पॉइंट पर आपको पूछा गया कि यहाँ पर धारा क्या है, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टाइम दिया रहेगा, तो पूछा गया कि बताइए इस टाइम पर कुछ टी वन समय पर आपकी धारा क्या है। तो पी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लेंगे। यह स्पर्श रेखा समय और उसके साथ जितना कोण बनाएगा उस कोण का टेन थीटा ही, कोण कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस एंटी क्लॉकवाइज लेगा टेन थीटा ही किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गई। आप इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता देते हैं, वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाने वाले आवेश के कारण समतुल्य विद्युत धारा। देखिए इसमें होता क्या है कि एक मान लीजिए कि देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर धन आवेश क्यू कोणीय चाल ओमेगा से परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तब हमको इसके समतुल्य विद्युत धारा ज्ञात करना है। समतुल्य उसको हम लोग औसत विद्युत धारा कहते हैं कि क्या होगा। देखिए इसमें आखिर धारा होगा क्यों, देखिए यहाँ पर भी आवेश क्या है, गति में है, यानी आवेश यहाँ पर प्रवाहित है, तो अगर आवेश प्रवाहित है तो विद्युत धारा का निर्माण होगा। तब यहाँ पर होता है कि आखिर समय कितना लेगा, तो देखिए इसमें हम लोग क्या होगा कि एक चक्कर में जो लिया गया समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं परिक्रमण काल, उसी समय अंतराल को हम लोग लेते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं कि चित्र में एक आवेश क्यू आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चाल भी या कोणीय चाल ओमेगा से परिक्रमा कर रहा है। चाल आप इसका भी ले सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेखीय चाल, ओमेगा क्या हो गया कोणीय चाल। तब इसका समतुल्य विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा क्यू बाई टी, टी क्या है तो आवर्त काल है, आवर्त काल यानी परिक्रमण काल। परिक्रमण का मतलब है एक चक्कर में लिया गया समय। और तो देखिए तो अगर आपको क्यू और टी पता है तो आप आई बराबर क्यू बाई टी से डायरेक्टली आप फॉर्मूला, अगर क्यू और टी दिया है तो आप डायरेक्ट विद्युत धारा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आवृत्ति दिया रहता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको आवृत्ति पता है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक सेकंड में दोलन की संख्या, चक्कर की संख्या, आवृत्ति क्या होता है तो प्रति एकांक सेकंड में चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, इसको आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए वन बाई टी को आप ए भी कह सकते हैं, आई बराबर क्यू इंटू एफ, तो ऐसा भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा कि अगर आपको आवृत्ति पता है तो आवेश में आवृत्ति से गुणा कर दीजिए, आपको विद्युत धारा निकल जाएगी। देखिए इसमें अगर वी आर पता है तो हम लोग कैसे धारा निकालते हैं, तो इसे टी, तो टी बराबर आप क्या लिख सकते हैं आवर्त काल बराबर या परिक्रमण, एक चक्कर में तय की गई दूरी बटा में चाल, चाल माने रेखीय चाल, किसी चाल का मतलब होता है रेखीय चाल, अगर कोणीय चाल तो कोणीय चाल कहना पड़ेगा। तो एक चक्कर में तय की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसके एक चक्कर में तय की दूरी माने परिधि के बराबर, तो परिधि कितना हो जाएगा टू पाई आर, चाल कितनी है भी है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा टू पाई आर बटा में भी, ठीक है। अब आप जा रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, भी बराबर ओमेगा इंटू आर, तो भी के जब पर आप ओमेगा, आपने वृत्तीय गति में ऐसा सीखा था आपने, भी बराबर ओमेगा इंटू आर, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, तो आप भी के जब पर लिख दो ओमेगा इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो बच गया कितना ओमेगा, तो टी बराबर कितना होगा टू पाई ओमेगा। तो इस तरह से यहाँ पर विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग को सामान्य सूत्र हो जाएंगे आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू टी का मान हो जाएगा कितना टू पाई आर बटा में भी, तो टू पाई आर भी रखते हैं तो भी चल जाएगा ऊपर, तो किन क्यू भी बटा में टू पाई आर, तो अगर भी पता है क्यू पता है आर पता है तो आप आई यहाँ से निकाल लोगे। इसी तरह से टी बराबर कितना हो जाएगा टू पाई ओमेगा, तो क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर टू पाई ओमेगा रख दो टी के जगह पर, ओमेगा चल जाएगा ऊपर, तो क्यू इंटू ओमेगा बटा में टू पाई। तो इस तरह से अगर क्यू ओमेगा पता है तो आप धारा यहाँ से निकाल सकते हो। तो टोटल आपको इस कंसेप्ट से निष्कर्ष क्या निकला कि धारा निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। यदि कि धारा निकालने के लिए हो सकता है, अगर आवेश और आपको परिक्रमण काल पता है और कल पता है तो क्यू बाई टी कर दीजिए, अगर आपको आवेश और आवृत्ति पता है तो क्यू इंटू एफ कर दीजिए, जैसा वहाँ से आया। अगर आपको जैसे इसको अगर हम लोग एक कह लें, ये आपको दूसरा मिला, ये आपको तीसरा मिला, ये आपको चौथा मिला, तो चारों को अगर हम लोग देखें तो अलग अलग के लिए हम लोग यूज हो सकता है क्यू बाई टी, क्यू इंटू एफ, क्यू भी बटा में टू पाई आर, क्यू ओमेगा बटा में टू पाई। तो इस तरह से आपको दिमाग में क्यू क्या है, परक्रमित आवेश वाहक पर आवेश, इसका ऐसा मात्र कूलम्ब होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है, भी है रेखीय चाल यानी लीनियर स्पीड, इसका ऐसा मात्र मीटर पर सेकंड होता है, ओमेगा होता है कोणीय चाल और इसके ऐसा मात्र रेडियन पर सेकंड होती है, और आर होता है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या।
चलिए अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग एक बेसिक न्यूमेरिकल छोटे छोटे कुछ बनाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे देखो पहला हम लोगों ने न्यूमेरिकल, पहले आप न्यूमेरिकल्स को देखो, उसको पॉज कर लो वीडियो को, इसके बाद लिख कर खुद से बनाओ, ठीक है ना। उसके बाद सोल्यूशन देखो कि क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पहले न्यूमेरिकल दिया कि चांदी के एक तार में 90 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बह रहा है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में क्या होगी। यानी साफ बात है कि आपको गिवन में क्या क्या है, तो गिवन आपको है आवेश क्यू बराबर कितनी है, तो 19 कूलम्ब। इसके बाद देखो कि इसमें आपको टी दिया गया है, समय कितना है, तो समय आपको कितना दिया गया है 1 घंटा 15 मिनट। तो देखिए आपको एम्पियर में विद्युत धारा पूछ रही है, तो विद्युत धारा एम्पियर में पूछ रही है, इसका मतलब है कि सारे चीज़ एसआई मात्रक में होना चाहिए। आवेश तो कूलम में है, एसआई मात्रक में है, लेकिन समय आपका क्या है, घंटा और मिनट में है, तो इसको आपको मस्ट भी सेकेंड में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, सेकेंड में, तब ना हम लोग का धारा एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलम प्रति सेकेंड। एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकेंड, इस बात को ध्यान में रखो, इसलिए समय भी इसमें यहाँ पर सेकेंड में लिखना होगा। तो इस तरह से 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो ये हो जाएगी 75 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 75 आप गुना 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हो जाएगा 75 में 60 से गुना कीजिएगा, तो 4 5 36 42 3 45 4500 आपको सेकेंड हो जाएगी। तो इस तरह से टी बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर होगा कि यहाँ पर सूत्र कौन सा यूज होगा, तो सिंपल सा सूत्र आई बराबर क्यू बटा में टी। अगर क्यू और टी आपको पता है तो सिंपल, नेट आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है क्यू, समय कितना है टी, एकदम सिंपल, कोई झोलझाल नहीं करना है। तो आई बराबर क्यू का मतलब हो गया 19 कूलम्ब, टी का मतलब हो गया आपको 4500 सेकेंड। और इस तरह से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगी 1/50 एम्पियर, और 1/50 एम्पियर का मतलब हो जाएगा 0.02 एम्पियर। तो इस प्रकार से आपका आंसर सी सही हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा पे आप दूसरा नंबर क्वेश्चन अब देखिए, इसको आप पॉज करके पढ़ लिखे खुद से बनाइए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। देखो इसमें क्या है कि इसमें आपको धारा दे दिया और आपको इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन या प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए पहले हम लोग सूत्र थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मानते हैं कि जैसे इसमें सूत्र हम लोग क्या जानते हैं कि आई बराबर क्यू बटा में टी। अगर मान लो कि टी समय में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो क्यू बराबर आप कितना लिख सकते हैं, तो एन इंटू ई बटा में टी। एन क्या है, तो टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप ऐसे आई बराबर एन इंटू ई, तो n क्या है, तो हमने n बटा t के जगह पर लिख दिया, n क्या हो गया, तो प्रति सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको n निकालने थे कि प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो n बराबर i बटा में e। इस तरह से पहले कुछ कभी कभी क्वेश्चंस में आपको सूत्र भी डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह से अब इसमें गिवन में क्या है आपको, तो गिवन में आई बराबर दिया है 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 एम्पियर। ई यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को आवेश दिया भी गया है, नहीं भी दिया रहता तो आप जानते हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो देयरफॉर एन बराबर आपको कितनी हो जाएगी, 10^-6 एम्पियर बाई 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ये कितनी हो जाएगी, तो 10^13/1.6 प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/1.6 का मतलब होता है 0.625 × 10^13, और इसका मतलब हो जाएगा कि 6.25 × 10^12 प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अब देखा जाए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं
देखिए इसमें करें कि एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर 10^15 परिक्रमा प्रति सेकंड की दर से कर रहा है, तो तुल्य धारा होगी। तो देखिए यह भी क्वेश्चंस में हम जैसा कि थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि कोई भी वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाने वाले जो आवेश कारण समतुल्य विद्युत धारा क्या होता है, तो आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आवेश वाहक क्या है। गिवन में अगर हम देखें तो आवेश का वाहक क्या है, तो आवेश वाहक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितनी होती है, तो Q बराबर E बराबर आप जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास क्या है कि 10^15 परिक्रमा प्रति सेकंड, तो इसका मतलब हुआ कि आपको आवृत्ति दे गई है प्रति सेकंड, तो आवृत्ति F बराबर कुछ फ्रिक्वेंसी या न्यू सब्सक्राइब करते एफ ए कर देते हैं, तो कितनी है 10^15 प्रति सेकंड। तो देखिए आपको इसके लिए सूत्र हमने डायरेक्ट ही निकाल चुके थे, सूत्र हम लोग क्या क्या देखे थे कि देखिए आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू इंटू एफ। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको आवृत्ति डायरेक्ट पता है, तो अगर आवृत्ति आपको पता है तो आप यहाँ से क्यू इंटू एफ कर लो, क्यू तो पता है ठीक है ना। तो देखिए तो सूत्र बराबर हो जाएगा आई बराबर क्यू गुना एफ, ठीक है। तो I बराबर यहाँ पर की को जब पर E हो जाएगा E इंटू एफ, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इंटू एफ का वैल्यू कितनी है बच्चों 10^15 प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁴ एम्पियर। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है देखिए एम्पियर में नहीं मिली एम्पियर में दिया है, तो मिली एम्पियर का मतलब होता है 10^-3, मिली का मतलब कितना होता है 10^-3। तो इस तरह से आपको इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1.6 × इसमें मान लो 10^-1 कर दिए, यहाँ पर 10^-3 एम्पियर कर लेते हैं, 10^-3 को क्या लिख सकते हो आप लोग मिली एम्पियर। तो इस तरह से 1.6 में 10 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 0.16 है, और 10^-3 को हो जाएगा मिली थी मिली एम्पियर। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या इतनी है 2.2 × 10⁻¹⁴ के चाल से चक्कर लगा रहा है, तो औसत विद्युत धारा का मान कितना। देखिए यह भी तीसरा क्वेश्चंस के ही जैसा है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशंस उससे डिफरेंट दी गई है। इसमें आपको गिवन क्या दिया गया है, तो गिवन आप इसमें देखिएगा तो उसकी त्रिज्या कितनी है वृत्तीय मार्ग की, तो 5.3 × 10⁻¹ⁱ मीटर। और अब की बार इसमें इलेक्ट्रॉन की चाल दी गई है, जो आवेश वाहक है उसके इलेक्ट्रॉन की चाल दी गई है कितनी है, तो 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। देखो अब इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो फिर से वही हम देखते हैं। तो इसमें सूत्र देखिए आपको अब यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, क्योंकि आपको आवेश पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है आपको पता है, भी पता है आपको 2π पता ही है, आर आपको पता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम लोग सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर जो सूत्र का यूज होगा, ठीक ना, इसमें आपको आई निकालनी थी, तो आपको जो सूत्र का यूज होगा तो आई बराबर कितनी हो जाएगी क्यू भी बटा में 2π r, ठीक है। तो देखिए तो हो जाएगी आई बराबर क्यू, तो यहाँ पर क्यू के जगह पर क्या होगा, तो ई पता है आपको 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि यहाँ पर आवेश वाहक क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितनी होती है इतनी। तो इस तरह से आपको आई बराबर हो जाएगा क्यू के जगह पर लिखते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, भी बराबर आपको हो जाएगा 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद आपको 2π का वैल्यू आप जानते हैं, 3.14 × r का मान आपको दिया गया है 5.3 × 10⁻¹ⁱ मीटर। देखिए सब आप असाइनमेंट मात्रक ही रखे हैं, सभी भौतिक राशि इसमें जो दिए गए हैं वो सब अगर हम लोग एसआई मात्रक में रखें, तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको 1.06 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगी। और मिनट अब इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, 10⁻³ को हम कहते हैं मिली, तो आप यहाँ से इसको आंसर में इसको लिख सकते हो 1.06 × 6 मिली एम्पियर, ठीक है बच्चों, इसको समझ गए। एक बहुत ही अब आसान क्वेश्चन दिए हैं कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 5 नंबर में यदि किसी तार से 2 नैनो सेकेंड में, देखो एन सेकेंड, एन छोटा दिया है, नैनो सेकेंड में 10 μ कूलम आवेश प्रवाहित होता है तार में, तो आपको गिवन क्या दे दिया,
आप इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी कि आवेश कितना दिया है आपको q बराबर, तो 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब कितनी होती है, तो 10 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 कूलम्ब। तो इस तरह से आपको q बराबर हो गया 10^-5 कूलम्ब। आपको t कितनी दी गई है, 2 नैनो सेकेंड, तो नैनो का मतलब कितना होता है, छोटी n, तो 10^-9 सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्यू टी, देखो क्यू को भी आपने एसआई मात्रक में लिख दिया, टी को भी आपने एसआई मात्रक में लिख लिया, तब आपका अवधारा एम्पियर में निकल जाएगी। तब इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो आई बराबर सिंपल सा सूत्र जो औसत धारा निकालने के लिए कहते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आई बराबर क्यू का वैल्यू कितनी है, तो 10^-5 कूलम्ब। टी का वैल्यू कितनी है, तो 2 × 10^-9 सेकेंड। तो इस तरह से आप इसको जब सोल्व करोगे तो 1/2 × 10^-9 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 9 में से 5 घटेगा तो 4 इतना एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब 0.5 × 10^4 एम्पियर। तो आप इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 10^3 एम्पियर, ठीक है। देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसमें पढ़िएगा तो क्या दिया कि एक चालक तार से प्रवाही जो आवेश Q है वह समय T का फलन है, Q बराबर कितनी दी गई, T²+2 इन एसाइनमेंट। एसाइनमेंट का मतलब होता है कि Q को आपको कूलम में लेना है और T को लेना है सेकंड में। तब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है T बराबर 0 सेकंड से T/2 सेकंड तक प्रवाहित औसत धारा, और B में ज्ञात करना है T/2 सेकंड पर ताक्षणिक विद्युत धारा। तो देखिए, इसमें आपको रियल में दो सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रवाहित औसत धारा निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर औसत धारा कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो औसत धारा है, अब आवेश बटा में कुल समय नहीं, यहाँ पर औसत धारा निकालने के लिए जो हमने एक सूत्र बताया था, आई एवरेज बराबर ∆Q/∆t, यह यूज़ करेंगे। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बटा में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है वह समय का फलन दिया गया है। क्यू क्या दिया है, समय का फलन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू इनिशियल क्यू फाइनल कैसे निकालेंगे, टी फाइनल टी इनिशियल कैसे निकालेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि चूंकि क्यू बराबर T²+2, तो देखिए जब इसमें आप टी का मान इनिशियली कितनी है 0 सेकेंड, आप 0 सेकेंड रखोगे, ठीक है, तो क्यू का मान आपको इनिशियली मिल जाएगा कितना, तो टी के जब 0 रखो तो 0²+2 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कूलम। फिर टी का फाइनल मान कितना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि 0 से 2 सेकेंड, देखिए समय अंतराल दिया है ना, औसत निकाले समय अंतराल 0 से 2 सेकेंड के लिए, तो 2 सेकेंड, तो क्यू फाइनल आपको कितना हो जाएगा, तो टी के जब 2 रखो तो 2² + 2 कूलम टोटल कितने हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 2 = 100 यानी 6 कूलम यानी 6 कूलम। तो इस तरह से आप इसमें सूत्र में डाल दो, तो देयरफॉर आई एवरेज बराबर क्यू फाइनल कितना लिख दे बेटा 6 कूलम माइनस क्यू इनिशियल कितना लिखते बच्चों 2 कूलम, टी फाइनल कितना हो गया तो 2 सेकेंड है, इनिशियल कितना है 0 सेकेंड है, तो 6 में से 2 घटेगा 4 कूलम, नीचे कितना होगा 2 में से 0 घटेगा 2 सेकेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 × 2 = 4, तो आई एवरेज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो औसत धारा कितनी मिलेगी 0 से 2 सेकंड में, 2 एम्पियर। इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा 0 से 4 सेकंड में क्या होगा, 2 से 4 सेकंड में क्या होगा, तो उस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर देखिए, करें T/2 सेकंड पर ताक्षणिक विद्युत धारा, देखो यह ताक्षणिक मनुष्य स्टैंड पर, तो इसके लिए आपको सूत्र जो बताए थे कि अगर क्यू समय का फलन है और वहाँ पर अगर दे दे तो आई बराबर dQ dt, आपको अब अवकलन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब अगर क्यू अगर समय का फलन दिया है तो आई बराबर dQ dt ताक्षणिक निकालने के लिए, ठीक है, आई बराबर dQ dt, आपको डिफ्रेशिएशन पता है, आई बराबर डी, क्यू का मान कितनी है तो T² है प्लस 2 और फिर हो गया dt। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं डिफ्रेशिएशन में, dT² dt + d2 dt। तो आपको इसमें कुछ फॉर्मूला आपको याद होगा ही, जैसे x^n का x के साथ जो अवकलन का सूत्र होता था उसमें क्या लिखते थे, पावर को पटक देते थे फिर पावर में से एक घटा देते थे, n × x^n-1। उसी तरह से किसी अचर चीज़ का जो अवकलन होता था किसी आंकिक मान को कितना हो जाएगा 0, किसी भी अचर का अवकलन कितना होगा 0। तो इस सूत्र को आप इसमें डाल दो, तो आप यहाँ पर रखिए तो कितनी हो जाएगी, आई बराबर
टू स्क्वायर, तो देखिए टी दिया है तो पावर में कितना दो है, तो दो को रख देते हैं, दो में से घट जाएगा तो टू टी प्लस, दो अक्षर चीज़ है तो जीरो, तो इस तरह से आई बराबर टू टी। तो आपको देखिए आपको जो आवेश है वो समय का फलन था, धारा भी यहाँ पर समय का फलन आ गया। तो अगर टी बराबर टू सेकेंड पर पूछा या टी बराबर टू सेकेंड पर, तो आई कितनी हो जाएगी, तो टी के जगह पर टू सेकेंड रख देंगे, टू सेकेंड, तो इस तरह से टू एम्पियर, तो दो नीचे कितना हो जाएगा फोर एम्पियर। और पूछता कि पाँच सेकंड पर कितना होगा, तो पाँच दुनी दस एम्पियर, चार सेकंड पर कितना होगा, तो चार दुनी आठ एम्पियर, तो इस तरह से हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर सात, पहले इसको आप पॉज करके इसको खुद से बना लो, फिर देखो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आपको क्या दिया गया कि एक प्रतिरोध से दो मिली सेकेंड में इतने पाँच इंटू टेन पाँच टू एम्पियर, पाँच गुना दस पाँच दो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध से प्रवाहित आवेश समस्तांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या कर लो कि आवेश निकालने है, तो आपको इसमें गिवन क्या क्या है देख लीजिए आप। तो गिवन में बहुत सिंपल है कि टी बराबर दिया है टू मिली सेकेंड, मिली का मतलब कितना होता है, तो टेन टू पावर माइनस थ्री सेकेंड। इसमें आपको आई का मान कितने दिए हैं, तो फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू एम्पियर। ये देखो सबसे अब आवेश कैसे निकालेंगे, आवेश निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी आसानी से निकल जाएगी। तो देखो तो चूंकि आई बराबर कितना होता है क्यू बाई टी, यहाँ से क्यू बराबर कितनी हो जाएगी आई इंटू टी, ठीक है। तो देखिए क्यू बराबर आई का मान कितना है फाइव इंटू माइनस टू एम्पियर, इंटू टी का वैल्यू कितनी है टू इंटू टेन पावर माइनस थ्री सेकेंड, तो इस तरह से पाँच दुनी का दस और टेन टू पावर माइनस फाइव है, और कितनी हो जाएगी यह कूलम्ब, एम्पियर इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर होगा टेन टू पावर माइनस फोर कूलम्ब। क्यू निकल गया, तो देखिए क्यू निकल गया तो एन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू बराबर कितनी होती है एन इंटू ई, ठीक है ना। तो n क्या है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n बराबर हो जाएगा q बटा में e, तो q का वैल्यू कितना रखते हैं टेन टू पावर माइनस फोर कूलम, e का मान होता है 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम, जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, ठीक है ना। तो परिमाण ले रहे हैं तो 1 बटा में 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 बजेगा तो प्लस 19, प्लस 90 प्लस 19 में से माइनस 4 घटेगा तो हो जाएगा प्लस 15 कूलम, और 1/1.6 का मतलब जानते हैं 0.625 इंटू टेन टू पावर 15, सॉरी कूलम नहीं होगा, कूलम कूलम कैंसिल हो गया, तो इस तरह से इतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी, तो कुल मिलाकर हो जाएगी 6.25 इंटू टेन टू पावर एक इसमें से ले लिए हैं तो कितना हो जाएगी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटो। चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ विद्युत धारा का अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाट में क्या दिया कि यदि एक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा आई समय टी का फलन इस प्रकार है आई बराबर थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फोर इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब समझ रहे हैं आई आपको लेना है एम्पियर में, टी लेना है सेकंड में, तब कह रहा है कि तब पहले दो सेकंड में प्रतिरोध से प्रवाहित होता है, पहले दो सेकंड मतलब क्या हुआ टी बराबर जीरो सेकंड से टी बराबर टू सेकंड तक आपको जो प्रतिरोध से आवेश प्रवाहित हुआ उसको ज्ञात करना है। देखिए आपको पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला कि जिसमें विद्युत धारा समय का फलन है और वहाँ से आपको क्या निकालना है आवेश, तो पहले इस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे कि अगर धारा परिवर्ती हो तब हम लोग आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, परिवर्ती धारा से आवेश कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि I बराबर dQ dt, जब हमारा जो आवेश है समय का फलन हो तो dQ बराबर यहाँ से कितना I dt, तो देखिए यह आवेश का समय के साथ या जो धारा के साथ और गुणा, तो ये हम लोग का देखो आवेश बराबर धारा गुणा समय या अल्पांश रूप है, ये हम लोग क्या है यह अल्पांश रूप है, तो अल्पांश रूप से हम लोग समाकलन करेंगे तो हमारा टोटल आवेश निकल जाएगा, ठीक है ना। जब भी हम लोग कोई वेरिएबल चीज़ है तो पहले उसमें एकदम छोटा समय के लिए काम कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको सब छोटा छोटा को जोड़ दो, समाकलन का मतलब क्या होता है जोड़ना, सब छोटका को जोड़ेंगे तो हम लोगों को टोटल हम लोग का आवेश निकल जाएगा, सब छोटका जोड़ते जोड़ते मोटका मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो उचित सीमांत में समाकलित करते हैं, तो dQ का समाकलन कहाँ से कहाँ जीरो से Q और I dt का समाकलन T1 से T2, मान लेते हैं कि T1 पर हमारा आवेश कितना है जीरो, T2 पर आवेश कितना है Q है, T1 पर आवेश कितना जीरो, T2 पर आवेश कितना Q है, तो इस सबसे टोटल आवेश जो Q है हम लोगों को हो जाएगा I dt T1 से T2 तक आप समाकलित कर लो। अब देखो समाकलन का इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब हम लोगों को धारा समय का फलन हो तब। देखो समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो ज्यामितीय अर्थ इसका क्या होता है कि जो समय और धारा का अगर ग्राफ जो दिया है तो समय अक्ष के साथ जो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा वह आवेश के बराबर होगा। जैसे मान लो कि वाई एक्सिस पर अगर धारा आई है और एक्स पर अगर कुछ हम लोग समय टी मान लें, तो देखो अगर कोई आई
समय का फलन है, तो T1 से T2 में जो यह समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल आवेश के बराबर हो जाएगा। चलिए, लेकिन याद रखना कि जब ग्राफ वाला तुम अगर टर्म यूज़ कर रहे हो तो इसमें याद रखना कि ग्राफ किसका बेहतर तरीका से निकाल सकते हैं, तो सीधी रेखा उसमें दिया जाए। सीधी रेखा से हम लोग का त्रिभुज का निर्माण कर दिया, हम लोग का जो निर्माण कर दिया कुछ समलंब चतुर्भुज का कर दिया, तो वहाँ से निकालना आसान रहता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इस प्रश्न को हम लोग अपना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवेन हम लोग का क्या था बबुआ, आई बराबर 3t² + 2t + 4। तो आई क्या है, धारा क्या है, समय का फलन है, तो हमको क्या निकालनी है, आवेश निकालनी है कब से, तो 0 सेकंड से 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड पूछा था तो 0 से 2 सेकंड। तो देखिए सूत्र क्यू बराबर, सूत्र क्यू बराबर क्या लिख लेंगे, आई डी टी कहाँ से कहाँ तक समाकलन कर लेंगे, T1 से T2, T1 हो गया लोअर लिमिट, T2 हो गया अपर लिमिट, ठीक है। तो T1 को 0 कर दें, T2 और I का जब लिखते हैं 3t² + 2t + 4। तो देखिए अब इसको हम लोग को समाकलन करना है, तो समाकलन में हमको सूत्र याद रखना हो चाहिए कि जब x के पावर n का dx, अगर x के साथ समाकलन निकालनी है तो पावर में 1 जोड़ दो, जैसे पावर में n है तो n+1 अब बटा में न्यू पावर से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। और dx का समाकलन x, अब dx माने छोटा, x का छोटा भाग, उसको जोड़ेंगे तो x मिल जाएगा। तो देखिए 3 यहाँ पर अचर चीज़ है, उसको अलग कर लेते हैं। t² का समाकलन 0 से 2, अलग अलग करने का अधिकार है, +2 t dt 0 से 2 +4 dt, 4 तो अचर चीज़ है ना, dt पर कवर करेंगे 0 से 2। याद रखना समाकलन उसी का होगा जो वेरिएबल चीज़ हो, ठीक है ना। तो इस तरह से अब 3 है बाहर में, टी पावर 2 है, घात में कितना 2 है, तो पावर में कितना 2, 2 में 1 जोड़ लो, ये फॉर्मूला होता है ना, पावर में 1 जोड़ के नया पावर से भाग दे, तो 2 1 3 अब बट्टा में पावर कितना होगा 3, तो 3 से भाग दे, तो टी पावर 2 1 3 बट्टा में पावर 3 से अब भाग दे दीजिए, ठीक है ना। प्लस फिर इसमें 2, टी के पावर कितना यहाँ पर होगा 1, तो 1 में 1 अब जोड़ो तो 1 1 2, अब बट्टा में 2 से फिर आप भाग दे दो। इस 2 से मतलब नहीं है, 2 तो पहले से दिया गया था, यह सूत्र पर आओ कि पावर में 1 जोड़ के नया पावर से भाग देते हैं, तो 2 अब +4 और dt का समाकलन t। तो इस तरह से देखो 3 से 3 कटा सकते हैं हम लोग, 2 से 2 कर सकते हैं, तो t पावर 3 का पावर 0 से 2 तक, t पावर 3 का लिमिट कहाँ से होगा 0 से 2 तक, प्लस t² का लिमिट 0 से 2 तक, प्लस 4 t का लिमिट 0 से 2 तक। तो देखिए पहले अपर लिमिट रखो, तो t के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 0 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट माइनस करके तो 0 हो जाएगा, प्लस t पर फिर 2 रखो, 2 का² -0 +4 के जब पर 2 रखेंगे -0, इससे 2 पर 3 कितना हो जाएगा 8 +2 पर 2 4 +4 8, तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 20 कूलम। तो देखो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि इसे ग्राफ विधि से हम लोग बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर I जो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस है, द्विघात फलन है, तो उसका ग्राफ कुछ वक्र आएगा, तो उसका हम लोग आसानी से एरिया नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो एरिया नहीं आसानी से ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसलिए तो समाकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल, ऐसे निकाल लिए। तो इसे ग्राफ विधि से बनाना इजी नहीं है, ग्राफ विधि तभी यूज़ करना चाहिए जब धारा रेखीय फलन है समय का, ठीक है। चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत धारा का। तो देखिए क्या करें, यदि एक चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा एक समान रूप से यानी यूनिफॉर्मली घटते हुए 2 सेकंड में 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है, तब इस समय अंतराल में तार से प्रवाहित आवेश ज्ञात करें। बहुत ही देखिए खूबसूरत क्वेश्चन है कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है लेकिन वह घट रहा है और 2 सेकंड में घट के कितना हो गया, तो पहले 10 एम्पियर था, मान लो कि 0 सेकंड पर कितना था 10 एम्पियर पहले, और इसके बाद 2 सेकंड में कितना हो गया 0 एम्पियर हुआ, तो कह रहे कि इस समय अंतराल यानी 2 सेकंड में आपका प्रवाहित आवेश क्या है। ये देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए तार से, देखिए हम यहाँ पर एकदम एक ही लाइन बता रहे हैं आपको कि तार से प्रवाहित धारा क्या है, परिवर्ती है, वेरिएबल है, लेकिन स्पष्ट जो है आई का समय के साथ फलन क्या है वह ज्ञात आपको नहीं है। क्या यहाँ पर आपको आई टी का क्या फलन है डायरेक्ट दिया गया है, तो नहीं दिया गया है, तो आपको मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आई बराबर फंक्शन ऑफ, पहले आपको समय का विद्युत धारा समय का फलन क्या है पहले आपको वह निकालना चाहिए। वह कैसे निकलेगा बच्चों, तो देखिए कैसे निकलेगा, धारा समय के साथ एक समान रूप से घट रहा है, कैसे घट रहा है एक समान रूप से, तो जब धारा एक समान रूप से घट रहा है इसका अर्थ है कि धारा समय का रेखीय फलन है। कैसा फलन है, रेखीय फलन है, यानी धारा और समय के बीच का जो ग्राफ होगा एक सीधी रेखा होगा। तो जैसे हम लोग को सीधी रेखा का हम लोग जानते हैं कि y बराबर x प्लस बी, तो उसी तरह से यहाँ पर i बराबर मान लेंगे at प्लस बी। ए और बी क्या है, नियंतांक है जो हमको ज्ञात नहीं है। अगर हम a और b का वैल्यू ज्ञात कर लें, तो हमारा a और b का वैल्यू ज्ञात करने के बाद इसमें रखेंगे तो हम लोगों का धारा जो है समय का फलन निकल जाएगा। ये देखिए हमको क्वेश्चन दिया है प्रश्न से, t बराबर 0 पर धारा कितने 10 एम्पियर, t बराबर 0 कैसे लिए, तो क्या 2 सेकंड में 10 से 0 हो गया, तो मान लें कि t बराबर 0 पर कितना था 10 था,
पहले प्रारंभ में, और 2 सेकंड पर कितना हो गया धारा 0। तो इसमें देखिए टी बराबर 0 पर धारा कितने 10 है, था आई के जगह पर आप 10 रख दो, ए छोड़ दिए, टी के जगह पर कितना रखेंगे 0। देखो यहाँ पर टी बराबर 0, ए आपको निकालनी है, प्लस बी निकालनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए में 0 में गुना होगा तो 0, तो 0 प्लस बी बराबर 10, तो यहाँ से बी बराबर को कितना मिलेगा 10। उसी तरह से टी बराबर 2 सेकंड जब रखोगे तो आई का मान 0 है, तो टी के आई के जब 0 रखो, ए गुना टी के जब 2 आ प्लस बी, तो इस तरह से 2 ए आ बराबर इधर माइनस बी, तो ए बराबर माइनस बी बाई 2, बी का 10 है, तो इस तरह से माइनस 10 बाई 2 बराबर माइनस बी, तो ए बराबर हो गया माइनस बी, तो ए और बराबर माइनस 5, बी बराबर 10 इसमें रख दीजिए, तो आपको मिल गया आई बराबर माइनस 5t प्लस 10। तो देखिए आपको क्वेश्चंस में धारा समय का डायरेक्ट फलन नहीं दिया गया था, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या किए, कंसेप्ट से निकाले, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसको हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। तो देखिए अब आई बराबर माइनस 5t प्लस 10 हो गया, तो अब तो काफ़ी आसान क्वेश्चन का सूत्र क्या होता है, जब धारा समय का फलन देखिए बराबर आई dt, और यहाँ से हम लोग आई क्या है समय का फलन है, कितना दिया गया माइनस 5t प्लस, आई के जब पर लिख दो माइनस 5t प्लस 10, t1 का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितने 2 है, तो फिर आप इसको समाकलन कर लीजिए, माइनस 5 बाहर निकाल लिए, t dt 0 से 2 प्लस 10 अचर चीज़ है, dt का समाकलन है 0 से 2, सिर्फ dt जो उसमें हो उसी का समाकलन किया जाता है, t है, तो यहाँ से माइनस 5 t के पावर कितना 1, तो 1 1 2, पावर कितना है 1 1 1 2 बटा में 2, फिर 0 से 2 कर लिए प्लस 10 dt का समाकलन t 0 से 2, तो इस तरह से आप देख सकते हैं माइनस 5 बटा में 2, 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, इंटू टी स्क्वायर, तो t की जब 2 कर 2 का स्क्वायर माइनस t का जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 10 t की जब 2 रखेंगे माइनस 0, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि माइनस 5 बटा में 2 दूनी 4 प्लस 10 दूनी का 20, तो दूनी का 4 तो माइनस 5 दूनी 10 प्लस 20। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोग को डिफेंस में आ जाए, बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए, कॉम्पिटिटिव में आ जाए, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखो इसका एक सबसे आसान पहलू क्या है कि जब धारा अगर आपको रेखीय फलन दे यानी सीधी रेखा मिले ग्राफ, तो आप उसको ग्राफ विधि से बनाओ और तुरंत बनेगा, इजिली बनेगा। तो जैसे देखिए इसको हम ईजी कैसे बनाएंगे, धारा समय का क्या है रेखीय फलन है, एकदम फास्ट मेथड, जस्ट कुछ सेकंड में बन जाएगा, धारा समय का रेखीय फलन है और तो ग्राफ सीधी रेखा होगा, तो ग्राफ सीधी रेखा होगा तो देखिए आई को हम वाई एक्स पर मान लेते हैं और टी को एक्स अक्ष पर, तो देखिए टी बराबर 0 सेकंड पर आपका कितना है करंट 10 एम्पीयर, टी तो एक आपका यह पॉइंट मिल गया कितना, तो 0 कॉमा 10, दूसरा पॉइंट आपको कितना हो गया, तो देखिए आपको यहाँ पर टी बराबर 2 सेकंड पर धारा कितना है 0, तो 2 सेकंड इंटू 0 एम्पीयर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से 10 एम्पियर से घटते घटते हमारा कितना होगा 0, और टी एक्सिस पर आई 0 होगा और आई एक्सिस पर टी 0 होगा, तो इस तरह से हम लोग 2 सेकंड 0 एम्पियर। तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या मिला, एक त्रिभुज मिला, तो त्रिभुज का अगर आप ये क्षेत्रफल निकालोगे तो हमको आवेश होगा, तो आवेश बराबर क्या होता है त्रिभुज का, तो हाफ इंटू इसका बेस कितना हो गया बेटा 2 सेकंड, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 10 एम्पियर, ठीक है ना, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 2 सेकंड, इसकी हाइट कितनी होगी 10 एम्पियर, और 2 से 2 कैंसिल, तो 10 दुनी का 20, तो 20 एम्पियर इंटू सेकेंड यानी आपको 20 कूलम, तो कि देखिए तो कितना वही आंसर आया कि नहीं आया, सॉरी 2 से 2 कट गया ना, तो आपको 10 एम्पियर यानी 10 कूलम, देखिए उतना ही आंसर आया आपको, 10 कूलम आंसर आया, और काफ़ी आपने आसानी से बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छा।